प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस की जुबानी जंग तेज हो गई है। अपने दो दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज को नालायक बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान कमलनाथ ने कर्ज माफी पर अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई 26 लाख किसानों को हमारी कर्ज माफी पर सवाल उठाए या कहे कि 53 लाख किसानों के ऋण माफी के आवेदन की प्रक्रिया को 10 दिन में पूरा करो तो वह नालायक वाली ही बात होगी। उन्होंने कहा कि शिवराज इतने नालायक नहीं कि उन्हें 53 लाख की कर्ज माफी की प्रक्रिया की जानकारी ना हो। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी और ये जितना भी बकले, मैं कह रहा हूं बकले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी, 53 लाख किसान, शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है, शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है, शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफी पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।